गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं आज के। फर्स्ट है, एक्सरसाइज अल मुहैद अल हिंदी 2-3 इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। आपको बताना है कि अल मुहैद अल हिंदी कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। तो ये एक बायलिटरल एक्सरसाइज है जो कि होती है बिटवीन द नेवल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। और इस साल ये मई मंथ में ऑर्गेनाइज की जाएगी, कहाँ पे? सऊदी अरेबिया के ही एक शहर में, जिसका नाम है जुबैल, ठीक है। तो ये सेकेंड नेवल एक्सरसाइज है अल मुहैद अल हिंदी की, और पहली कब हुई थी? पहली हुई थी 2021 के अगस्त मंथ में, फाइन। तो ये दूसरी बार हो रही है। दो बातें आपको याद रखनी है, अल मुहैद अल हिंदी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच होती है, और वेन्यू इस साल के लिए क्या रखा गया है, तो वो है सऊदी अरेबिया, फाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशंस का जो वाटर कॉन्फ्रेंस है 2023 के लिए, इसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट रहने वाली है? ये कॉन्फ्रेंस होस्ट किया जाएगा बाय न्यूयॉर्क, USA, ओके। और इस कॉन्फ्रेंस के पहले एक रिपोर्ट आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है, जिसको रिलीज़ किया गया था, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री। इसमें इनके इम्पैक्ट और ट्रेंड्स की बात की गई है बेसिकली, और इस रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि जो बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री है हमारी, वो फिलहाल जो रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर है सभी के लिए, उसका जो इशू चल रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा मास्क करती है, मतलब जो सही में वाटर के इश्यूज चल रहे हैं उनको ढकती है, कवर कर देती है, ठीक है। तो बस रिपोर्ट में क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस 2023 के लिए जो वाटर कॉन्फ्रेंस है उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है? न्यूयॉर्क। और कंट्री पूछेंगे तो USA। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली लाइज इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपको ये बताना है। तो गुजरात, जिसको कि हम जानते हैं कि एक लौता घर है हमारे एशियाटिक लॉयंस का, हाल ही में ये प्लान हुआ है कि यहाँ पे जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ से 40 लॉयंस को ट्रांसलोकेट किया जाएगा इस बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 40 एडल्ट और सब एडल्ट एशियाटिक लॉयंस हो जाएंगे। तो ये जो जगह है बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लगभग 100 किलोमीटर दूर है गिर नेशनल पार्क से। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दो बातें याद रखिएगा, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैटिक जीके के तौर पे अगर पूछा गया कि कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि गिर नेशनल पार्क से 40 लॉयन को निकाल के बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। आजकल आपने TVD1 काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, ये क्या है? ये पहला टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन है, किस मिशन का? इंडिया के गगनयान का, ओके। और ये जो पहला टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन है अंडर द गगनयान मिशन, इसको मई 2023 में कंडक्ट किया जाएगा। इसमें पैराशूट सिस्टम और जो रिकवरी है क्रू मेंबर्स की, साथ ही जो अबॉर्ट प्रोसेस है मिड एयर में, ये सारी चीज़ें टेस्ट होंगी स्प्लैश डाउन के बाद, फाइन। तो TVD1 अगर आपसे पूछेंगे कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये पहला टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन है गगनयान मिशन का। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द कोडावा हॉकी फेस्टिवल। कौन सा स्टेट होस्ट है कोडावा हॉकी फेस्टिवल के लिए? कोडावा हॉकी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा नापोकलू टाउन में, किसके? कर्नाटका स्टेट के। और ये 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये जो एनुअल इवेंट है कोडावा हॉकी फेस्टिवल का, ये दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, और कोडावा कम्युनिटी रहती है यहाँ पे हिली डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका स्टेट के, और ये एक तरह का इंटर फैमिली हॉकी टूर्नामेंट है जो कि हर साल कंडक्ट किया जाता है, जिसमें लगभग 200 फैमिली से प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एकलौता रूल सिर्फ क्या है टीम फॉर्म करने का, कि किसी भी एक टीम में जो मेंबर्स हैं उस टीम में, वो सभी के सभी एक कॉमन फैमिली से होने चाहिए, ठीक है। तो फैमिली वाइज इसमें टीम बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, कोडावा हॉकी फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? ये है कर्नाटका स्टेट का। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द जापान साउथ कोरिया समिट इन 2023। कौन सी कंट्री होस्ट है जापान साउथ कोरिया समिट के लिए?
ये दो कंट्रीज के बीच में होती है ऑब्वियसली, जापान और साउथ कोरिया. और इन्होंने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो अपना एक बहुत पुराना ट्रेड डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे, ठीक है. और ये मेजर स्टेप देखा जा रहा है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द बाइलेटरल इकोनॉमिक एंड डिफेंस रिलेशन, क्योंकि इसके बाद दोनों ही कंट्रीज़ के बीच जो इकोनॉमिक टाइज हैं और डिफेंस रिलेशन्स हैं वो मजबूत हो जाएंगे. और ये समिट हाल ही में हुई थी टोक्यो सिटी में जापान कंट्री के, और इसको अटेंड किया साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मिस्टर यून सुक योल ने और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फूमियो किशिदा ने, राइट. तो याद रखिएगा कि ये जो जापान साउथ कोरिया समिट है कहाँ पे हुई है, टोक्यो सिटी में जापान कंट्री के. नेक्स्ट है एन एस द्रोणाचार्य विच रिसेंटली रिसीव्ड प्रेसिडेंट कलर इज बेस्ड इन विच इंडियन स्टेट. इस क्वेश्चन से भी एक और क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है कि इस साल प्रेसिडेंट कलर किस पर्टिकुलर नेवी शिप को दिया गया है, तो ये है आई एन एस द्रोणाचार्य. और आई एन एस द्रोणाचार्य की बात करें तो ये इंडियन नेवी की शिप है जो कि केरला बेस्ड है, और हाल ही में इसको प्रेसिडेंट कलर दिया गया है. इसने लगभग 820 ऑफिसर्स को ट्रेन किया है, साथ ही इसमें नेवल मिसाइल्स वगैरह भी मौजूद हैं और डिफरेंट तरह के डिफेंसिव काउंटर मेजर्स भी अवेलेबल हैं. तो बस याद दो बातें याद रखिएगा कि इस साल प्रेसिडेंट कलर किसको दिया गया है, आई एन एस द्रोणाचार्य को, और कौन से स्टेट की बेस्ड शिप है, ये आंसर हो जाएगा केरला. नेक्स्ट है विच स्टेट अनाउंस्ड स्पेशल इंसेंटिव स्कीम टू प्रोड्यूस ऑर्थोडॉक्स टी एंड स्पेशलिटी टी. कौन सा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो स्पेशल इंसेंटिव स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे ऑर्थोडॉक्स टी और स्पेशलिटी टी को प्रोड्यूस करने के लिए. ये है असम की गवर्नमेंट. तो इन्होंने अपने स्टेट बजट के दौरान अनाउंस किया है कि ये असम टी इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा मजबूत करेंगे स्पेशल इंसेंटिव स्कीम की हेल्प से. और इस स्कीम के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि ऑर्थोडॉक्स टी को लोग और ज़्यादा प्रोड्यूस करें और स्पेशलिटी टी को भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में, ठीक है. तो याद रखिएगा कि ये इनिशिएटिव किसका है, असम स्टेट गवर्नमेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023 वॉज कन्फर्ड रिसेंटली टू द गवर्नर ऑफ विच कंट्री. गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का किस कंट्री के गवर्नर को इस साल दिया गया है. तो ये अवार्ड कन्फर किया गया है हमारे आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास के लिए. किसके द्वारा हुआ है, तो बाय द इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है. इन्होंने इनके रोल को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया है कि जिस तरह से इन्होंने कैपिटल मार्केट को लीड किया ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस और यूक्रेनियन वॉर के दौरान, ठीक है. तो इसकी वजह से हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है. याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री के गवर्नर हैं, ऑब्वियसली इंडिया के. तो दोनों ही तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री को दिया गया, तो इंडिया, इंडिया में भी किसको दिया गया है, तो शक्तिकांत दास को. नेक्स्ट है विच इंडियन अमेरिकन वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर द एयरफोर्स. इसमें से कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर द एयरफोर्स. तो ये है इंडियन अमेरिकन मिस्टर रवि चौधरी, और इसके पहले ये की सिविलियन लीडरशिप पोजिशन पे थे यूएस के पेंटागन में, और इसके पहले ये सर्व कर चुके हैं एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव एट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे ये डायरेक्टर ऑफ एडवांस्ड प्रोग्राम एंड इनोवेशन थे. किस ऑफिस में, इन द ऑफिस ऑफ कमर्शियल स्पेस एट द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो कौन है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर द एयरफोर्स, ये है मिस्टर रवि चौधरी. इंडियन अमेरिकन है, इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक टू प्रमोट इनोवेशन इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट. आरबीआई ने किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है इनोवेशन प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए ये एमओयू साइन किया है विथ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री यूएई, और इसके बाद अब कोऑपरेशन ऑब्वियसली इन्हांस होगा और ये जॉइंटली इनेबल करेंगे इनोवेशन को इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो इस एमओयू के तहत जो सेंट्रल बैंक्स हैं दोनों, ये कोलैबोरेट करेंगी डिफरेंट इमर्जिंग एरियाज में फिनटेक के, और स्पेशली अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में, और ये इंटरऑपरेबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे बिटवीन द सीबीडीसीज ऑफ सीबी यूएई और हमारी सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइन. तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एमओयू साइन किया है विद द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई.
नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट. ये योजना कौन से स्टेट की है आपको ये बताना है. ये योजना है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें 1,000 रुपये की मंथली हेल्प प्रोवाइड की जाती है वुमेन को, राइट. और प्रेजेंट में इससे हो क्या रहा है, वहाँ पे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें जो वुमेन का इंटरफेरेंस है या फिर यूज़ है बैंक अकाउंट्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड देखा जा रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, मतलब इसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि वुमेन फाइनेंशियल और बैंकिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो रही हैं और वो इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हैं. तो इस स्कीम के लिए जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, 25th of March से. ओके, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कौन से स्टेट की है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की. और इसके बारे में हमने डिटेल में पहले भी बात करी है. नेक्स्ट है, अर्बन एक्सटेंशन रोड टू प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. अर्बन एक्सटेंशन रोड टू प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है आपको ये बताना है. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करता है नॉर्दर्न दिल्ली के अलीपुर को किससे, दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ. ठीक है, और हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया कि ये प्रोजेक्ट इनेबल करेगा कि कोई भी दिल्ली एयरपोर्ट से अलीपुर सिर्फ 20 मिनट में पहुंच सकता है. ठीक है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको इनॉग्रेट किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2023. बस याद रखिएगा कि अर्बन एक्सटेंशन रोड टू प्रोजेक्ट किस स्टेट से एसोसिएटेड है या फिर यूनियन टेरिटरी से, तो ये है नई दिल्ली. तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं. और आज ये पार्ट 11 रहेगा इस सीरीज़ में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 165 तक देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अर्ज्ड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टू टेक अर्जेंट मेजर्स अगेंस्ट विच डिजीज़. तो WHO ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें अर्जेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है अगेंस्ट मीजल्स डिजीज़. ठीक है, रीज़न क्या बताया, क्योंकि COVID-19 के बाद से जो मीजल्स का वैक्सीनेशन कवरेज है उसमें रिडक्शन देखा गया है, इसकी वैक्सीन प्रॉपरली नहीं लग पा रही है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है. विच कंट्री इज सेट टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस. ये आंसर हो जाएगा इंडिया. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि इंडिया एस्टैब्लिश करेगा एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जिसका एम होगा रिसर्च को अंडरटेक करना डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के ऊपर किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसको कि बाद में स्केल अप किया जा सकता है और जो दूसरे मेंबर्स हैं ग्लोबल साउथ के वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और ये अनाउंसमेंट हुई थी एट द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट. ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की. ऑक्सफैम इंटरनेशनल की जो भी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं उसका टाइटल देके बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. और इसमें बेसिकली क्या चीज़ बताई गई थी कि हमारी सोसाइटी में जो 1% ऑफ द रिचेस्ट पॉपुलेशन है वो ओन करते हैं 40% ऑफ कंट्री की टोटल वेल्थ. ठीक है, जो 1% टॉप रिचेस्ट पर्सन है उनके पास 40% है टोटल वेल्थ का, वहीं पे जो बॉटम हाफ पॉपुलेशन है हमारी वो सिर्फ 3% ऑफ वेल्थ को शेयर करती है एक साथ. ठीक है, तो ये डिफरेंस दिखाया गया कि रिच और पुअर में किस तरह से डिफरेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. वरुणा इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री. वरुणा एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच की. कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग AK-203 असॉल्ट राइफल्स इन अ ज्वाइंट वेंचर विद विच कंट्री. तो AK-203 मॉडर्न असॉल्ट राइफल हैं जिनको कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में. और ये जो AK-203 प्रोजेक्ट है इसको कैरी आउट किया जाएगा थ्रू अ ज्वाइंट वेंचर कॉल्ड इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट. तो ये इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है और इसका एम है लगभग 6 लाख राइफल्स बनाना अगले 10 सालों तक. और इसकी लागत कितनी है, 5,124 करोड़ रुपीस. ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑथर हैज बीन अवार्डेड द फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022. ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है के वेनु को. द आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच मंथ. इसको हम जनवरी मंथ में सेलिब्रेट करते हैं और अगर प्रिसाइसली बात करें तो 14 जनवरी को. एज पर द रिसेंट एनालिसिस बाय नासा 2022 इज टाइड विथ 2015
एज द डैश वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड. तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है 2022 में, उसको अगर हम 2015 से जोड़ें तो ये फिफ्थ वार्मेस्ट रहा रिकॉर्ड बेसिस पे, ठीक है. और साइंटिस्ट ने बताया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर था 2022 का 1.6 डिग्री फॉरेनहाइट था, या फिर 0.89 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं. और ये जो नासा ने बेसलाइन पीरियड तैयार किया था उसके ऊपर रहा, ठीक है. विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन फॉर म्यूनिसिपल सर्विसेज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्योंकि सेंटर ने डिसाइड किया था कि वो 5 साल का नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च करेंगे, जिसके थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा म्यूनिसिपल सर्विसेज में, और साथ ही 4500 अर्बन लोकल बॉडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, राइट. तो ये मिशन कौन कैरी आउट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इसके थ्रू 6 बेसिक कॉमन सिटीजन सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो सभी अर्बन लोकल बॉडीज ऑनलाइन तौर पे ऑफर करेंगी, ये मैंडेटरी लेवल पे, ठीक है. एज पर द इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, विच स्टेट इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर द मोबाइल गेमर्स. इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा स्टेट है जो मोबाइल गेमर्स के लिए टॉप डेस्टिनेशन रहा? ये है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मोबाइल गेमर्स देखे गए. सेकेंड पोजिशन पे था इसमें महाराष्ट्र, थर्ड पे था राजस्थान, फोर्थ पे था बिहार, और फिफ्थ पे था वेस्ट बंगाल. यूजुअली टॉप मोस्ट ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप टॉप 3 जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान. नेक्स्ट है पुडांग विलेज, वेयर रोड कंस्ट्रक्शन हैव बीन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. पुडांग विलेज है छत्तीसगढ़ स्टेट में, और पहली बार यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था जनवरी मंथ में. और ये जो रोड है ये कनेक्ट करेगी पुडांग विलेज को छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों के साथ, और इंडिपेंडेंस के बाद से ये पहली बार हो रहा है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल? राजस्थान गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए. इन्होंने एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, और जिसका ऑब्जेक्टिव रहेगा राइट टू साइट, ठीक है. तो राजस्थान गवर्नमेंट मैंडेटरी बेसिस पे आई बैंक्स को रन करेगी सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में. थिरुवल्लुवर इज अ फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? आंसर हो जाएगा तमिल. तो इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए एक थिरुवल्लुवर डे सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में एज अ पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन. व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई हैज बीन रिसेंटली स्पॉटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये बटरफ्लाई हाल ही में स्पॉट हुई है केरला स्टेट में, ठीक है. और किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. लास्ट टाइम इसको 2018 में स्पॉट किया गया था, और अब फाइनली ये अभी फिलहाल देखी गई है. विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल बुक फेयर रिसेंटली? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. इसके थ्रू फोकस किया जा रहा है कि तमिलनाडु की जो बुक्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड तौर पर फेमस किया जाए, पॉपुलर किया जाए, फाइन. तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जनवरी मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 166 से लेके 180 तक चलेंगे, ठीक है. तो आज कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स नहीं है हमारा, सिर्फ इतना ही था. तो अपना रिव्यू आप ज़रूर लिखा करिए कमेंट्स में, हमें जानकर काफ़ी खुशी होती है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, और मॉक टेस्ट में भी आपके इम्प्रूवमेंट में इजाफा हो रहा है. तो ये सारी बातें हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करती हैं. तो कोई चेंज अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, हम उसको डेफिनेटली कंसीडर करेंगे अगर हमें वो रेलेवेंट लगता है तो. चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं. ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. विद दिस मीनू जहसना साइनिंग ऑफ.